नमस्कार साथियों मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग नमस्कार राधे राधे प्यार भरा नमस्कार जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग भारत जी ललिता जी विक्रम जी प्रमिला जी विनोद जी सुमन जी संजना जी जय जी पूजा राजस्थान जी बिल्कुल सभी साथी जितने भी प्यारे विद्यार्थी आ गए न सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग अब साथियों नाम नहीं ले पा रहा हूं कमेंट थोड़े तेजी से चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है आप बहुत प्यारे विद्यार्थी हो कोई भी बिना नाम लिए कोई नाराज होने वाला नहीं है ठीक है साथियों तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों हम आज जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो पिछले क्लासों की मैं बात करूं आपके सामने तो हमने पहले सबसे पहले तो राष्ट्रपति टॉपिक लिया और राष्ट्रपति टॉपिक के प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की और फिर हमने ये भी जाना कि राष्ट्रपति से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं उन सारे प्रश्नों पर भी व्याख्यात्मक चर्चा की आज हम लोग इस सेशन में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं उस टॉपिक को पहले से तो व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ेंगे फिर इस टॉपिक के बारे में भी हम ये जरूर बात करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित कैसे प्रश्न बन चुके हैं और किन किन प्रश्नों का आना संभावित है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे तो साथियों तैयार हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक होगा अपना संसद जो आपको पहले ही सूचना दे दी जाएगी है ना पहली सूचना दी गई है कि पार्लियामेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं संसद टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं साथियों देखिएगा हम संसद टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बात तो करते हैं संसद की तो पहली बात तो साथियों क्या है नंबर एक बात जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम हम पढ़ रहे हैं संसद अर्थात पार्लियामेंट साथियों सबसे पहली बात तो आपको यह बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि संसद का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है साथियों पहली बात याद रखना संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 79 आर्टिकल 79 और पार्ट यानी कि भाग पूछ ले कौन से में तो अच्छे से याद रख लेना संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 79 और भाग पांच आर्टिकल 79 और भाग कौन से में पांच में अब साथियों देखिएगा पहली बात तो आपको पता चल गई बिल्कुल सभी साथियों का वेरी गुड सभी का आंसर बिल्कुल राइट आता हुआ दिख रहा है क्या बात है बहुत तैयारी के साथ मैदान में उतरे हो मैं जब शनिवार को क्लास लेके गया था तो सैटरडे को मैंने बोला था कि हम संसद टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे से संसद को घर से पढ़ के भी आए हैं है ना और नई नई बातें और सीखेंगे और जितने भी आपके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं उन बातों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं साथियों देखेगा पहली बात मैंने आपके सामने बोली कि संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल सेवेंटी और भाग पांच में पहली बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अब देखेगा एक प्रश्न तो दो तरीकों से पूछा जाता है एक तो प्रश्न अपने से पूछा जाता है कि संसद का गठन किन किन से मिलकर होता है संसद का गठन किन किन से मिलकर होता है और एक राजस्थान में जो पटवार का एग्जाम हुआ था पिछला पटवार मेंस का साथियों आपको पता है कि पटवार मेंस के पेपर में आपसे प्रश्न पूछा कि संसद के गठन में कौन भागीदार नहीं है इन दोनों ही तरीके के प्रश्न का आंसर देने के लिए एक ही बात अपने को याद रखनी है साथियों और वो ये है कि भाई संसद का गठन किन किन से मिलकर होता है तो संसद का गठन लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है संसद बनती है यानी संसद का गठन राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का गठन होता है संसद का गठन किन किन से मिलकर होता है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर किसका गठन होता है साथियों संसद का गठन होता है अब आपसे पटवार मेंस के के पेपर में में प्रश्न क्या पूछा गया कि कौन संसद गठन भागीदार नहीं है तो साथियों अपन तीन बातें पढ़ रहे हैं कि संसद का गठन किन किन से मिलकर होता है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है तो सीधी सीधी बात है इन तीन के अलावा जो भी चौथा ऑप्शन आपको दिखे वो नंबर फोर वाला ऑप्शन ही गलत होगा इन तीनों से मिलकर किसका उल्लेख होता है साथियों सॉरी का गठन होता है संसद का अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों कि हम ये पढ़ रहे हैं कि संसद का गठन राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है ठीक है इसका मतलब हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति भी संसद के गठन में क्या है भागीदार है राष्ट्रपति भी संसद के गठन में भागीदार है और आपने देखा होगा संसद मतलब व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं और है साथियों और राष्ट्रपति का का का। का तो चाहता, चाहता हूं कि कल के दिन आपको कोई प्रश्न ये पूछ राष्ट्रपति को ध्यान से सुनना मेरे प्रश्न को फिर आपके सारी बातें समझ में आने वाली है राष्ट्रपति को संसद के गठन में क्यों शामिल किया जाता है राष्ट्रपति को संसद के गठन में क्यों शामिल किया जाता है राष्ट्रपति संसद के गठन में क्यों भागीदार है क्या रीजन बताओगे परमिला जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा आपने पहले से आंसर दे दिया कि राष्ट्रपति को संसद के गठन में क्यों भागीदार माना जाता है साथियों आपको पता होगा कि संसद के गठन करने का उद्देश्य क्या है पहले मैं ये पूछ लू संसद के गठन करने का उद्देश्य क्या है संसद का मुख्य कार्य क्या है कानूनों का क्या करना निर्माण करना संसद के गठन का मुख्य उद्देश्य कानूनों का क्या करना निर्माण करना भाई संसद का गठन क्यों किया कानूनों का निर्माण करने के लिए तो संसद का गठन किया संसद का उल्लेख किया संविधान में और अब मेरे को यह बात बता दीजिएगा साथियों आप कि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होते ही कानून बन जाएगा क्या नहीं विधेयक कानून का रूप कब लेगा विधेयक कानून का रूप लेगा जब उस विधेयक पर कौन हस्ताक्षर करेगा राष्ट्रपति जब उस विधेयक पर कौन हस्ताक्षर करेगा राष्ट्रपति इसका मतलब प्रश्न कोई आपसे यह पूछ ले कि राष्ट्रपति को संसद के गठन में क्यों भागीदार माना जाता है तो क्या आंसर दोगे सीधा सीधा आंसर देना कि राष्ट्रपति की कानून निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भागीदारी होने के कारण राष्ट्रपति की कानून निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भागीदारी होने के कारण ही राष्ट्रपति को किसके गठन में शामिल किया जाता है साथियों राष्ट्रपति को संसद के गठन में शामिल किया जाता है क्यों क्योंकि कोई भी विधेयक कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून का रूप नहीं ले सकता है इसीलिए राष्ट्रपति की कानून निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भागीदारी होने के कारण ही राष्ट्रपति को संसद के गठन में क्या किया जाता है शामिल किया जाता है क्लियर कोई दिक्कत नहीं अब हम लोग संसद की बात कर रहे हैं तो कुछ तथ्यात्मक बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों वो क्या है कि कि आपसे प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान जो संसद भवन है उस संसद भवन का निर्माण कार्य निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था साथियों सन 1921 में क्या हुआ था भारतीय संसद का निर्माण कार्य क्या हुआ था प्रारंभ हुआ था सन 1921 में वर्तमान संसद भवन बनना शुरू हुई थी अंग्रेजों के द्वारा बना के दिया गया भवन है जहां पर आज की संसद संचालित हो रही है लेकिन अभी आपने देखा कि मोदी सरकार के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और वो कह रहे हैं कि 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है लेकिन आप अच्छे से सुन लेना कि वर्तमान संसद जो चल रही है उसका निर्माण कार्य 1921 में क्या हो गया था प्रारंभ दूसरी बात आपसे कोई प्रश्न ये पूछ ले कि अपने वर्तमान संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था साथियों वो उद्घाटन कब हुआ था तो वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी उन्नीस को वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया 18 जनवरी 1927 को वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन किया किसके द्वारा तो उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा किसके द्वारा साथियों लॉर्ड इरविन के द्वारा वर्तमान संसद भवन का क्या हुआ था उद्घाटन हुआ था ठीक है संसद भवन बनना कब से शुरू हुआ सन 1921 से यह भवन बनना शुरू हुआ लेकिन संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ तो 18 जनवरी 1927 को भारतीय संसद भवन का क्या किया जाता है उद्घाटन और उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था लॉर्ड इरविन और फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान संसद भवन के वास्तुकार कौन थे वास्तुकार का मतलब समझ रहे हो ना डिजाइनर वर्तमान संसद भवन जहां पर संसद संचालित हो रही है उस संसद के वास्तुकार कौन थे वास्तुकार का मतलब समझ रहे हो डिजाइनर डिजाइनर कौन कौन थे तो साथियों बहुत अच्छे से याद रख लेना डिजाइनर दो व्यक्ति जिनके नाम याद रखना वो है एडविन लुटियंस एडविन लुटियंस और दूसरा नाम याद रखना हर्बर्ट बेकर भारतीय संसद भवन के वास्तुकार कौन-कौन थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो भारतीय संसद भवन के क्या थे वास्तुकार थे इन दोनों ही डिजाइनरों ने भारतीय संसद भवन की डिजाइन तैयार की थी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर भी कौन था वास्तुकार भी कौन था एडविन लुटियंस इंडिया गेट का वास्तुकार भी कौन था एडविन लुटियंस और संसद भवन का वास्तुकार भी कौन था एडविन लुटियंस ठीक है तो वास्तुकार पूछ ले तो दो नाम याद रखना तो थे? थे। चलती है उसको हम कहते हैं सत्र और इसके बारे में तो मैं राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाते समय आपके सामने पहले ही चर्चा कर चुका था कि साथियों संसद में सामान्यता एक वर्ष में संसद में सामान्यतः प्रति वर्ष या एक वर्ष में कितने सत्रों का तीन सत्रों का आयोजन किया जाता है संसद में सामान्यतः एक वर्ष में तीन सत्रों का आयोजन किया जाता है और वो तीन सत्र कौन कौन से होते हैं है, साथियों है बजट सत्र सा सामान्यतः कहां से कहां तक चलता है फरवरी से लेकर मई तक नंबर दूसरा जो सेशन होता है साथियों उसको हम कहते हैं मानसूनी सत्र और मानसूनी सत्र कहां से कहां तक चलता है लगभग सामान्यतः तो समय लिख रहा हूं अनुमानित समय लिख रहा हूं जुलाई से सितंबर तक और नंबर तीसरा जो सेशन होता है साथियों वो होता है शीतकालीन सत्र कौन सा होता है शीतकालीन शीतकालीन सत्र सत्र और कब कब से कब तक नवंबर दिसंबर तो पहली बात तो मेरी एक अच्छे से सुन लेना कि सामान्यतः तो एक वर्ष में कितने सत्रों का आयोजन होता है तीन सामान्यतः तो प्रति वर्ष तीन सत्रों का आयोजन होता है लेकिन प्रश्न आपसे कोई पूछ ले ध्यान से सुन लेना आप अच्छे से सुन लेना अभी मैं सारी बातें क्लियर कर देने वाला हूं अगर आपसे प्रश्न को यह पूछ ले कि एक वर्ष में कितने सत्रों का आयोजन बाध्यता है साथियों तो एक वर्ष में सत्रों का आयोजन बाध्यता पूछ ले वो कम से कम से कितने कितने सत्रों ने कितने सत्रों ने चाहिए का आयोजन बाध्यता है किसी भी तरीके से पूछे तो दो सत्रों का आयोजन क्या है बाध्यता है एक वर्ष में दो सत्रों का आयोजन तो बाध्यता है लेकिन सामान्यतः होते कितने तीन है और एक वर्ष में दो सत्रों का आयोजन बाध्यता क्यों है साथियों बाध्यता इसलिए है कि दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितने माह हो सकती है छ माह दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितने माह हो सकती है छह माह छ माह के बाद तो नया सेशन शुरू करना ही पड़ेगा इसीलिए कितने सत्रों का आयोजन बाध्यता है दो का और सामान्य तो होते कितने सत्र हैं तीन सामान्य तो होते कितने सत्र हैं तीन लेकिन कितने सत्रों का आयोजन बाध्यता है दो सत्रों का आयोजन है जो बाध्यता है क्लियर कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब आपको पता है कि दो बातें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि इन सत्रों को आहूत संसद के जब भी सत्र होते हैं उनको कि शुरू करना और सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है तो संसद के सत्रों को आउट और सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है संसद के सत्रों को आहुत और सत्रावसान कौन करता है भारत का राष्ट्रपति करता है ना प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति स्व से कभी भी सत्रों को शुरू या समाप्त नहीं करता है तो संसद के सत्रों को आउट और स... आउत का मतलब शुरू और सत्रावस्थान का मतलब समाप्त इन सत्रों को आउत और सत्रावसान कौन करता है राष्ट्रपति करता है लेकिन साथियों पूछ ले क्या स्व से करता है नहीं किसकी सिफारिश पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्लियर दूसरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा यहां पर मैंने लिखा है कि बजट सत्र सामान्यतः फरवरी से लेकर मई तक चलता है अब आप मेरे से सवाल पूछोगे कि क्या एक फरवरी को शुरू हो जाता है इकतीस मई तक चलता है नहीं तो कितने दिन चलता है एक एक सत्र सत्र आपके मन में यह भी तो प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि अधिकतम कितने दिन तक चल सकता है और न्यूनतम कितने दिन चलना जरूरी है तो साथियों इसके लिए मैं आपको सवाल का आंसर यह दे देना चाहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अर्थात भारतीय संविधान में इस बात का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है कि एक सत्र अधिकतम कितने दिन तक चलेगा और न्यूनतम कितने दिन तक चलना जरूरी है सत्र कब तक चलेगा जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा तब तक चलेगा आप कहते हो प्रधानमंत्री चाहेगा तब तक कैसे क्योंकि मैंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आउट करता है और राष्ट्रपति संसद के सत्रों को समाप्त करता है आज अगर प्रधानमंत्री कह दे कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र आउट होना चाहिए सत्र आउट हो जाएगा और प्रधानमंत्री कह दे कि राष्ट्रपति को सत्र समाप्त करो तो सत्र समाप्त हो जाएगा मतलब भारतीय संविधान में इस बात का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है कि एक सत्र अधिकतम कितने दिन चलेगा न्यूनतम कितने दिन चलेगा यह सामान्यतः फरवरी से मई तक बजट सेशन चलता है जुलाई से सितंबर तक शीतकालीन सत्र चलता है सॉरी मानसूनी सत्र चलता है और नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलता है ठीक है लेकिन आप एक बात बहुत अच्छे से याद रख लेना कि सबसे लंबा जो सेशन चलने वाला वो बजट सत्र है है ना और सबसे कम समय का जो सेशन चलता है वो शीतकालीन सत्र चलता है क्लियर साथियों कोई दिक्कत नहीं तो सत्र सामान्य तो तीन होते हैं आयोजन बाध्यता कितनों का है दो का है हाँ, जब तक पीएम की बिल्कुल बिल्कुल मुँ, खान जी बिल्कुल सही लिख रहे हो आप कोई दिक्कत नहीं है राष्ट्रपति तो सत्ता पक्ष का ही आदमी होता है बिल्कुल ज्यादातर जो केंद्र में सत्ता होगी उसी का आदमी राष्ट्रपति बनेगा वैसे राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष राजनीतिक दल सॉरी राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल का हाथ होता है यह भी आपको पता होगा क्लियर कोई दिक्कत नहीं चलो बढ़ते हैं अगली बात की ओर और, और अगली बात यह है हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत बारीकी से, से, से सुनना बहुत ध्यान से सुनना बहुत मनोयोग से सुनना साथियों क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो संसद के गठन के उद्देश्य पर बात कर रहा हूं और हम बात कर रहे हैं कि संसद के गठन का उद्देश्य क्या है कानूनों का क्या करना निर्माण करना तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को अच्छे से सुन लेना मेरी बात को ताकि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि संसद में कानून निर्माण का क्या प्रोसेस होता है यानी एक विधेयक एक सदन में रखने से लेकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तक किन 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 कहा कामों से गुजरता है किन किन माध्यमों से वो राष्ट्रपति तक पहुंचता है और क्या स्टेप स्टेप वो राष्ट्रपति तक जाता है सारी बातें बहुत विस्तृत तरीके से कर रहा साथियों आपको अभी की अभी की की कानून निर्माण प्रक्रिया समझाऊंगा अगर बहुत ध्यानपूर्व और मनोयोग से तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि संसद के गठन का उद्देश्य क्या है संसद के गठन का उद्देश्य क्या है कानूनों का क्या करना निर्माण करना है ना संसद के गठन का उद्देश्य क्या है कानूनों का क्या करना निर्माण करना और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया अभी हम क्या पढ़ रहे हैं संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं साथियों और अब ध्यान से सुन लीजिएगा संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो उससे पहले मैं दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ लेना चाहता हूं जरा ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को वो ये है कि आपको कोई पहला प्रश्न तो यह पूछ ले कि हम कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं आपने संविधान के स्रोत पढ़े होंगे संविधान के स्रोत पढ़े होंगे ठीक है और संविधान के स्रोत अगर पढ़ रखे हैं वर्तमान राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री शासन लगा हुआ है बी एल मीणा जी क्या लिख रहे हो पता नहीं चल रहा है है ना जरा ध्यान से सुन लीजिएगा पहले मेरी बात को मैंने क्या बोला कि आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले संविधान के स्रोत अगर आपने पढ़ रखे तो बहुत अच्छे से जवाब भी आप दे दोगे कि हम कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यह पूछ ले ठीक है वो ये पूछ ले कि संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है तो साथियों पहली बात तो बहुत अच्छे से सुन लेना आपने संविधान के स्रोत पढ़ रखे हैं तो संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया हम कौन से देश से लेते हैं ब्रिटेन से लेते हैं ठीक है अब कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है तो किसी भी विधेयक को कानून के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है उसके प्रोसेस सुन लीजिएगा कि अगर किसी विधेयक को कानून के रूप में परिवर्तित करना है तो कानून बनेगा कैसे साथियों एक विधेयक जैसे किसी भी विधेयक को कानून के रूप में परिवर्तित करना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बहुत बारीकी से एक एक बातें सुनना अच्छे से समझ में आएगी और नहीं आए तो फिर मेरे से क्वेश्चन पूछना पहले पूरा पढ़ लेना फिर आप प्रश्न पूछना है कि साहब ये जो बात आपने बताई वो समझ में नहीं आई पहले पढ़ने के बाद पूछना पहली बात किसी भी विधेयक को कानून बनाना है तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि विधेयक वैसे तो कितने प्रकार के होते अभी मत पूछना विधेयकों के प्रकार पर तो हम सारी चर्चा करेंगे ही करेंगे है ना लेकिन सबसे पहली बात क्या करना विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ ही जैसे ही विधेयक सदन में रखा जाता है विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ ही जैसे ही विधेयक सदन में रखा जाता है विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ ही जो वाचन होता है साथियों वो होता है प्रथम वाचन ध्यान से सुनना मेरी बात को सबसे पहला काम कानून निर्माण की प्रक्रिया में क्या होगा मान लीजिएगा किसी भी मुद्दे पर कानून बनाना चाहता है कोई भी सांसद या मंत्री तो विधेयक सांसद भी रख सकता है विधेयक को मंत्री भी रख सकता है लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है क्या अंतर है कि अगर विधेयक किसी भी मंत्री के द्वारा रखा गया है तो वो विधेयक कहेगा सरकारी अभी मैं विधेयकों के प्रकार पर बहुत आगे चर्चा करने वाला हूं संसद बहुत लंबा टॉपिक है प्रत्येक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे है ना लेकिन एक बात सुन सुन लेना लेना मेरी वो अच्छे से सुन मैंने कहा जैसे ही विधेयक विधेयक आप कहते हो मंत्री के द्वारा भी रखा जा सकता है बिल्कुल और अन्य सांसदों के द्वारा भी रखा जा सकता है जो मंत्री नहीं है वो भी विधेयक प्रस्तुत कर सकता है लेकिन साथियों बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा दोनों में थोड़ा सा अंतर है वो ये है कि अगर विधेयक भारत सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा रखा गया है तो उस विधेयक को तो हम बोलेंगे सब ये सरकारी विधेयक है गवर्नमेंट बिल है और अगर विधेयक ध्यान से सुन लेना अगर विधेयक किसी अन्य सांसद के द्वारा रखा गया है मतलब कोई मंत्री नहीं है और केवल अन्य सांसद के द्वारा रखा गया है तो विधेयक होता है गैर सरकारी जिसको निजी बिल कहते हैं प्राइवेट विधेयक कहते हैं ठीक है थेके? प्राइवेट बिल भी कहते हैं तो विधेयक दोनों ही रख सकते हैं मंत्री भी रख सकता है सांसद भी रख सकता है लेकिन रखने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से सरकारी भी होता सरकारी भी होता होता है है गैर सरकारी लेकिन वो चर्चा हम विधेयकों के प्रकार पढ़ते समय करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए विधेयक सदन में क्या किया जाएगा विधेयक को सदन में प्रस्तुत करना और जैसे ही विधेयक सदन में प्रस्तुत होगा उसका कौन सा वाचन होगा पहली बात सुन लेना प्रथम वाचन होगा ठीक है अरे ये एक कमेंट लगातार कर रहा है कि किसी में, किस में मुख्यमंत्री अगर चुनाव हार जाता है तो किसी दूसरे विधानमंडल में आ सकता है क्वेश्चन तो सही लिख दिया करो थोड़ा सा आर्टिकल 164 ममता बनर्जी की बात शायद ये पूछ रहे होंगे द फ्यूचर जी उनको मैं बता देता हूं आर्टिकल 164 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे अधिकतम छह माह तक मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है आर्टिकल वन कहता है ठीक है वो किसी भी सदन का छह महीने के भीतर सदन में मेंबर आ सकता है अब अगर ममता बनर्जी की बात करोगे तो ममता बनर्जी को तो बिहार सॉरी बंगाल विधानसभा का ही मेंबर बनना पड़ेगा क्योंकि बंगाल में विधान परिषद नहीं है क्लियर अब देखिएगा हम कानून निर्माण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो पहले काम क्या होगा जैसे ही विधेयक सदन में प्रस्तुत किया उसका कौन सा वाचन होगा साथियों प्रथम वाचन अब प्रथम बजट शब्द का किसी भी अनुचित नहीं है बिल्कुल बिल्कुल रचना कुमारी जी भारत के संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है अनुच्छेद एक में बजट शब्द को परिभाषित किया गया है क्लियर पहली बात सुनना जैसे ही विधेयक को पेश किया विधेयक प्रस्तुत करते ही कौन सा वाचन होगा प्रथम वाचन अब इस प्रथम वाचन में इस प्रथम वाचन में होगा क्या विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ ही विधेयक पर प्रथम वाचन होगा और इस प्रथम वाचन में क्या होगा इस विधेयक के उद्देश्यों पर जो बिल पेश किया है इस विधेयक के उद्देश्यों पर ध्यान से सुनना उद्देश्यों पर क्या होगी चर्चा होगी इस विधेयक के उद्देश्यों पर चर्चा होगी इस विधेयक के क्या उद्देश्य है? इस के माध्यम से क्या करना है वो सारे के सारे उद्देश्यों पर चर्चा होगी कौन से वाचन में प्रथम वाचन में ठीक है अब दूसरा काम क्या होगा अब उद्देश्यों पर चर्चा हुई तो अगला काम क्या होगा इसी विधेयक का वापिस कौन सा वाचन होगा साथियों द्वितीय वाचन

होगा मैंने कहा इसी विधेयक का वापिस सेकंड वाचन, वाचन होगा विधेयक का उसी सदन में, मतलब में होगा तो होगा लेकिन इस द्वितीय वाचन में किया क्या जाएगा इस द्वितीय वाचन में साथियों यही होगा कि इस विधेयक को समिति के पास भेजा जाएगा जहां विधेयक पर चर्चा होगी द्वितीय वाचन में विधेयक सीधा किसके पास चला जाएगा समिति के पास एक कमेटी के पास यह कमेटी इस विधेयक की क्या करेगी जांच करेगी और समिति में इस विधेयक पर क्या होगी होगी चर्चा समिति देखेगी कि जो विधेयक रखा है ध्यान से सुनना द्वितीय वाचन के साथ ही जी मतदान नहीं होगा मतदान तृतीय वाचन के साथ होगा द्वितीय वाचन में तो विधेयक सीधा क्या हो जाएगा समिति के पास चला जाएगा है ना और समिति इस विधेयक के बिंदुओं पर चर्चा करेगी कि इस विधेयक के माध्यम से ये करना क्या चाह रहे हैं करना क्या चाह रहे वो सारी की सारी इस कमेटी के द्वारा उस विधेयक पर क्या होगी चर्चा होगी अब समिति ने विधेयक पर चर्चा कर दी है तो फिर तीसरा काम क्या होगा इसी विधेयक का तृतीय तृतीय वाचन वाचन होगा होगा थर्ड रीडिंग की जाएगी है ना अब आप कहते हो तृतीय वाचन में क्या होगा तृतीय वाचन में फिर विधेयक पर सदन जैसे लोकसभा में रखा है तो लोकसभा में सदन राज्यसभा में रखा है तो राज्यसभा में इस सदन की राय जानी जाएगी है ना क्या होगा सदन की राय जानी जाएगी कि इस विधेयक के बारे में सदन के लोग क्या चाहते हैं मतलब सदन के लोग है जो यानी लोकसभा में तो लोकसभा के सदस्य इस विधेयक के पक्ष में है ना लेकिन या विपक्ष में है वो सदन की राय जानी जाएगी और अगर सदन की राय में उनको लगा कि मतदान करवाना जरूरी है तो इस विधेयक पर तृतीय वसन के साथ क्या होगा मतदान होगा अब उस विधेयक को जितना बहुमत चाहिए कौन सी समिति अब ध्यान रखना आपको पता है कि वर्तमान में 1993 के बाद एक बात बोल रहा हूं जो अच्छे से सुन लेना उन्नीस के बाद सरकार के द्वारा विभागीय समितियों का गठन शुरू हो गया है आज 24 प्रकार की विभागीय समितियां बनी हुई पड़ी है अब जिस विधेयक का संबंध जिस विभागीय समिति से होगा उस विभागीय समिति को यह विधेयक सौंप दिया जाएगा और वह समिति इस विधेयक के बारे में जानेगी पढ़ेगी और यह पहचानेगी कि हम इस विधेयक के माध्यम से करना क्या चाह रहे हैं क्लियर तो ध्यान से सुन लेना सदन की राय जानी जाएगी तृतीय वाचन में और अगर आवश्यकता पड़ी तो उस विधेयक पर क्या होगा मतदान होगा और मान लीजिएगा मान लीजिएगा किसी विधेयक को सामान्य बहुमत से आवश्यकता पड़ती है पारित होने की किसी विधेयक के लिए दो तिहाई बहुमत भी चाहिए विशेष बहुमत चाहिए और मान लो इस विधेयक पर तृतीय वाचन के साथ ही मतदान हुआ क्या हुआ मतदान हुआ ठीक है और मतदान में मान लीजिएगा कल्पना कीजिएगा कि जितना बहुमत मिलना चाहिए उतना बहुमत मिल गया ध्यान से सुनना मेरी बात को जितना बहुमत मिलना चाहिए उतना बहुमत मिल गया मिल गया तो क्या होगा तो तो विधेयक पहले वाले सदन मान लो लोकसभा में पहला वाला सदन तो लोकसभा से विधेयक क्या हो जाएगा पारित लेकिन आप एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा यह भी कर लोगे कि तृतीय वाचन के साथ तृतीय वाचन के साथ ही अगर विधेयक को जितना बहुमत मिलना चाहिए उतना बहुमत नहीं मिला उतना बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा तृतीय वाचन के साथ ही जो विधेयक को मतदान हुआ जितना बहुमत मिलना चाहिए उतना नहीं मिला तो क्या होगा तो विधेयक उसी सदन में रुक जाएगा जिस सदन पहले वाला है ना उसी सदन में रुक जाएगा आपके तो फिर क्या होगा फिर उस विधेयक का कुछ नहीं होगा फिर वापस अगर उस विधेयक को कानून बनाना चाहते हो तो नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी है ना लेकिन अपन यहां रोक नहीं सकते अपने को पूरी कानून निर्माण की प्रक्रिया सीखनी है तो अच्छे से सुन लेना यहां पर क्या लिखा मैंने मान लीजिएगा मतदान में जितना बहुमत मिलना चाहिए उतना बहुमत मिल गया तो नंबर चार बात लिख रहा हूं विधेयक अगले सदन में चला जाएगा विधेयक अगले सदन में जाएगा अब मैं किसी भी सदन का नाम नहीं लिख रहा हूं किसी भी सदन का नाम नहीं लिख रहा हूं विधेयक कहां चला जाएगा अगले सदन में चला जाएगा अब पहला सदन अगर लोकसभा है तो अगला सदन राज्यसभा और अगर पहला सदन राज्यसभा है तो अगला सदन लोकसभा ठीक है अब जैसे ही विधेयक अगले सदन में गया तो अब आप कहते तो फिर अगला सदन क्या करेगा अगला सदन में भी ये का ये प्रोसेस चलेगा वापिस बिल्कुल जो पहले सदन में प्रोसेस चलाए ना वही अगले सदन में चलेगा क्लियर वहां पर भी क्या होगा प्रथम वाचन होगा फिर उस विधेयक का वापिस द्वितीय वाचन होगा फिर उस विधेयक का वापस तृतीय वाचन होगा और तृतीय वाचन के साथ ही उस विधेयक पर वापस अगले वाले सदन में भी क्या करवाया जाएगा मतदान करवाया जाएगा ध्यान से सुन लेना मैं लिख नहीं रहा हूं सदन तो दो ही होते तो मैं भी तो दो सदनों की बात कर रहा हूं मान लो पहला सदन अगर क्या हुआ पहला सदन अगर क्या हुआ अरे मेरे दोस्तों पहला सदन लोकसभा हुआ तो अगला सदन राज्यसभा और अगर पहला सदन राज्यसभा में पहले रख दिया तो अगला सदन लोकसभा में जाएगा अब कुछ विधेयक हैं जो पहले लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं वो तो मैं मैंने क्या बोला विधेयकों के प्रकार पढ़ाते समय ही आपको बताऊंगा लेकिन अभी जनरल बिल पर विधेयक कानून का रूप कैसे लेता है साधारण विधेयक की अगर मैं बात करूं तो वो इस प्रक्रियाओं से गुजरता है ठीक है और अब मैंने आपको क्या बोला अब मैंने आपको यह बोला कि विधेयक में अगले सदन में भी ये का ये प्रोसेस चलेगा और अगले सदन में भी मान लीजिएगा बिल्कुल समान तीन के तीन वाचन होंगे बिल्कुल मादाम मीणा जी आप सही लिख रहे हो ये तीन के तीन वाचन होंगे और इस तीस तीसरे वाचन के साथ मान लीजिएगा मान लीजिएगा विधेयक क्या हो गया अगले सदन यानी राज्यसभा ने भी पारित कर दिया पहला सदन लोकसभा तो अगला सदन कौन सा राज्यसभा होगा और राज्यसभा ने भी इस विधेयक को क्या कर दिया पारित कर दिया तो अंतिम विधेयक किसके पास जाएगा ध्यान से सुन लेना अंतिम विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति विधेयक पर क्या कर दे राष्ट्रपति विधेयक पर अगर हस्ताक्षर कर दे सिग्नेचर कर दे तो विधेयक किसका रूप ले लेगा विधेयक कानून का रूप ले लेगा अगर राष्ट्रपति विधेयक पर क्या हो जाए हस्ताक्षर कर ले तो विधेयक किसका रूप ले लेगा कानून का रूप ले लेगा लेकिन अब आप मेरे सामने दो सवाल खड़े करोगे वो कौन कौन सा है पहला क्वेश्चन क्या है साथियों नंबर एक प्रश्न तो है कि मान लो लोकसभा में तृतीय वाचन के साथ ही विधेयक पारित हो गया और अगले सदन में गया और अगला सदन कौन सा राज्यसभा है अगला सदन कौन सा राज्यसभा और राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित नहीं किया तो क्या होगा राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित नहीं किया तो क्या होगा तो होगा संयुक्त बैठकों का आयोजन ध्यान से सुन लेना अभी बात करूंगा मैं संयुक्त बैठकों की है ना तो क्या होगा संयुक्त बैठकों का आयोजन और पारित कर दिया तो विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति विधेयक पर सिग्नेचर करेगा हस्ताक्षर करेगा तो क्या हो जाएगा कानून का रूप ले लेगा लेकिन आप मेरे से यह भी तो सवाल पूछोगे कि जैसे ही विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो क्या राष्ट्रपति हस्ताक्षर ही करेगा यह तो मैं आपको राष्ट्रपति पूरा पढ़ाई चुका हूं यहां पर आपने पढ़ा होगा और आपने राष्ट्रपति की शक्ति में यह भी पढ़ा होगा कि जैसे ही दोनों ही सदनों से विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आएगा तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियां तीन और उन तीनों ही तीनों ही शक्तियों की चर्चा मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय कर चुका हूं लेकिन अब मैंने आपके सामने एक बात बोली कि मान लीजिएगा विधेयक लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा के पास आया पहली बात राज्यसभा उसको पारित करने से मना कर दे दूसरी बात राज्यसभा उस विधेयक में संशोधन कर दे ध्यान से सुनना। राज्यसभा उस विधेयक में क्या कर दे संशोधन कर दे और तीसरी बात विधेयक लोकसभा से पारित हुआ राज्यसभा ने उसको अगले छह माह तक कुछ नहीं बोला और रोक के रख लिया ना तो नहीं ना, ना का तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ही सदनों के मध्य किसी भी विधेयक को लेकर किसी भी विधेयक को लेकर क्या उत्पन्न होता है गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ध्यान से सुनना मेरी बात को राष्ट्रपति के द्वारा किसका संयुक्त बैठकों का आयोजन करवाया जाएगा किसका आयोजन करवाया जाएगा साथियों संयुक्त बैठकों का आयोजन करवाया जाएगा ऐसा संविधान का अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 कहता है बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं ध्यान से सुनते रहना एक एक बात को मैंने कहा अगर विधेयक लोकसभा से पारित हुआ राज्यसभा ने मना कर दिया इनकार कर दिया पारित करने से राज्यसभा ने बिल में संशोधन कर दिया राज्यसभा ने छह माह तक पारित नहीं किया है ना तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस समय किसका आयोजन करवाएगा जॉइंट बैठकों का संयुक्त बैठकों का आयोजन करवाएगा और संयुक्त बैठकों के आयोजन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में 108 में पहली बात सुन लेना संयुक्त बैठकों का आयोजन क्यों होगा समझ में आया संयुक्त बैठकों का आयोजन कौन करवाएगा राष्ट्रपति करवाएगा कौन सा आर्टिकल कहता है आर्टिकल वन जीरो अब यहां पर एक बात तो आपको पता चल गई कि संयुक्त बैठकों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में 108 सौ आठ में और संयुक्त बैठकों का आयोजन कौन करवाएगा संयुक्त बैठकों को कौन बुलाएगा तो राष्ट्रपति लेकिन साथियों एक प्रश्न पूछा जाता है और वो ये ज्यादातर आज तक पूछा गया संयुक्त बैठकों का वो जरा ध्यान से सुन लेना कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है अब संयुक्त बैठकों में क्या होता है आपको पता है कि संयुक्त बैठकों में लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्यों को एक जगह बैठाया जाता है और एक जगह कहां बैठाया जाता है संसद के केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में एक जगह बैठाकर उस समय उन दोनों ही सदनों के सदस्य उपस्थित होते और विधेयक रखा जाता है ठीक है तो ऐसी स्थिति में होती है संयुक्त बैठक अब संयुक्त बैठक में लोकसभा राज्यसभा दोनों सद्र, के सदन सदनों के मेंबर बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में साथियों आपको पूछ ले कि संयुक्त बैठकों की, तो की अध्यक्षता कौन करेगा तो बहुत अच्छे से याद रख लेना संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा वेरी गुड लेकिन साथियों एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेना चाहता हूं जो विद्यार्थी बहुत सारे तो पहले से ही आंसर देते हुए दिख रहे हैं कि अब आपको यह तो पता चल गया धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है बिल्कुल सही है कौन कौन से विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं होती है यह अभी चर्चा करने वाला हूं पहले सुनते रहेगा मेरे को एक एक बात को मैंने कहा संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है यह सबको पता है लेकिन साथियों एक कदम इससे आगे बढ़कर सवाल पूछे कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है बहुत अच्छा बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल राइट आंसर देते हुए दिख रहे हैं कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 118 में है यहां पर थोड़ी सी विद्यार्थी गलती कर सकता है जो आप बहुत अच्छे से याद रख लेना क्योंकि यहां पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों में ही आंसर अलग अलग होता है एक प्रश्न तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि संयुक्त बैठकों के आयोजन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में अनुच्छेद 108 में क्लियर और दूसरा प्रश्न पूछता है कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है कौन सा अनुच्छेद कहता है तो उस समय अनुच्छेद 108 नहीं अनुच्छेद 118 है है ठीक तो अध्यक्षता कौन करता है? का करता है है लोकसभा अध्यक्ष कौन सा अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद एक कहता है क्लियर कोई दिक्कत नहीं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं जो कान खोल के सुन लेना पहले अब आपसे कोई प्रश्न यह पूछ ले साथियों और वो क्या पूछ ले वो ये पूछ ले कि मान लीजिएगा अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है सुन लो मेरे प्रश्न को जिस दिन संयुक्त बैठक हो रही है उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है क्या है अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा अगर संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनना ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा नंबर एक राज्यसभा का सभापति करेगा नंबर दो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा नंबर तीन राज्यसभा का उपसभापति करेगा और नंबर चार राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया कोई वरिष्ठ सांसद करेगा अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत, अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी फटाफट आंसर देते हुए दिख रहे हैं वेरी गुड क्या बात है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने बहुत अच्छे से आंसर दे दिया है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा या लेकिन एक कदम और आगे बढ़ जाता हूं मैं और वो और आगे क्यों बढ़ता हूं क्योंकि वहां से एक नवीनतम सवाल निकलने की इस बार पूरी पूरी संभावना है ये तो आपने पता कर दिया कि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा क्लियर लेकिन साथियों मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के और आपसे प्रश्न पूछ लूं जो मेरा ध्यान से सुनना आप प्रश्न हाँ, इसका तो उपाध्यक्ष आंसर सही है सबका लेकिन अब अगला प्रश्न सुन लीजिएगा कि मान लो कल के दिन आपको प्रश्न यह पूछ ले कि अगर संयुक्त बैठक के दरमियान लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं जिस दिन संयुक्त बैठक हुई उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा नंबर एक ऑप्शन राज्यसभा का सभापति नंबर दो ऑप्शन राज्यसभा का उपसभापति नंबर तीन ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया वरिष्ठ सांसद और नंबर चार ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं मेरा प्रश्न क्या है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है तो कौन करेगा कुछ विद्यार्थी यहां पर भी राइट ऑप्शन दे रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड कौन करेगा राज्यसभा का उपसभापति करेगा राज्यसभा का कौन करेगा राज्यसभा का उपसभापति करेगा यस अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा राज्यसभा का उपसभापति करेगा अब जैसे ही मैंने यहां पर उपसभापति बोला तो आपके मन में एक प्रश्न और उत्पन्न हुआ और वो क्या उत्पन्न हुआ जरा ध्यान से सुन लीजिएगा वो ये उत्पन्न हुआ कि राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता कर रहा है तो सभापति कहां है फिर राज्यसभा का सभापति कहा है इसीलिए यहां से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और जो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कैसा प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ध्यान से सुनना मेरी बात को निम्नलिखित में से कौन संयुक्त बैठकों में भाग नहीं लेता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त बैठकों में भाग नहीं लेता है नंबर एक ऑप्शन देगा लोकसभा का अध्यक्ष नंबर दो ऑप्शन देगा लोकसभा का उपाध्यक्ष नंबर तीन ऑप्शन देगा राज्यसभा का सभापति और नंबर चार ऑप्शन देगा राज्यसभा का उपसभापति कौन संयुक्त बैठकों में भाग नहीं लेता है कौन संयुक्त बैठकों में भाग नहीं लेता है तो अच्छे से साथियों आंसर आपका राइट होगा राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं लेता है राज्यसभा का सभापति भाग ही नहीं लेता है इसीलिए तो उप सभापति का नंबर आ रहा है और आप मेरे से यह भी सवाल पूछोगे ना कि राज्यसभा का सभापति भाग क्यों नहीं लेता है साथियों बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है यस है ना और इसीलिए आपने उपराष्ट्रपति पढ़ते समय यह बात बहुत अच्छे से पढ़ी होगी क्या पढ़ी होगी संविधान का आर्टिकल सिक्सटी फोर आपने पढ़ा होगा उपराष्ट्रपति में पढ़ा क्या नहीं पढ़ा आर्टिकल सिक्सटी फोर उपराष्ट्रपति में क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा इसका मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गया तो वो राज्यसभा का सभापति बन गया और वो सारे काम सभापति वाले करता है इसीलिए उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते हमेशा राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं यानी कि सीधी सीधी बात यह सुन लेना कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है यह बड़ी विशेष बात है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है वो तो उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा का क्या होता है सभापति बनता है पदेन और इसीलिए वो संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता है क्यों संयुक्त बैठक में क्यों भाग नहीं लेता है क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता है ठीक है और इसीलिए बहुत अच्छे से सुन लेना इसीलिए तीसरा नंबर किसका आ रहा है उपसभापति का आ रहा है किसका आ रहा है साथियों उपसभापति का क्लियर ये बात बहुत अच्छे से सुन लेना और अब आप मेरे से इससे आगे बढ़ के भी एक प्रश्न पूछ लोगे और वो क्या पूछ लोगे वो ये पूछ लोगे कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उप सभापति तीनों ही अनुपस्थित हो गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उप सभापति तीनों ही अनुपस्थित हो जाए तो कौन अध्यक्षता करेगा तो कौन अध्यक्षता करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया वरिष्ठ सांसद ध्यान रखना अगर तीनों ही क्या हुए अनुपस्थित हो गए तो अध्यक्षता कौन करेगा राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया वरिष्ठ सांसद ठीक है नंबर चौथा आएगा वरिष्ठ सांसद का जो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा है ना और चार से आगे कभी अनुपस्थित होंगे नहीं और चार से आगे भारत के किसी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा भी नहीं वो टेंशन मत लो आप है ना हाँ, तीन तक ही तक चला गया बस मतलब हालांकि आपने देखा होगा जितने भी पुराने पेपर देखोगे ना तो उसमें तो एक ही तरीका है अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष इससे आगे बढ़ेगा तो आपको अनुच्छेद कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है राज्यसभा उसको अगले छह माह तक पारित नहीं कर देती है राज्यसभा उस विधेयक में संशोधन कर देती है या राज्यसभा उस विधेयक को पारित नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठकों का आयोजन करवाया जाता है और संयुक्त बैठकों का आयोजन का उल्लेख अनुच्छेद एक सौ आठ में और फिर आपने संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता के बारे में पढ़ा साथियों आपको पता है कि पांच बजते समय समाप्त हो जाता है क्लास का मेरी और आपको पता है कि अभी संयुक्त बैठकों के बारे में बहुत सारी बातें बाकी है टेंशन मत लेना अभी संयुक्त बैठकों के बारे में बहुत सारी बातें बाकी है सभी बातों पर कल वापिस सवा चार बजे मिलेंगे और चर्चा करेंगे यह ध्यान रख लेना संयुक्त बैठकों की अभी तक बहुत सारी बातें बातें कि संयुक्त बैठकों से पारित होने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए कौन कौन से विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं होती है है ना कितनी संयुक्त बैठकें आज तक हो चुकी है यह सारी चर्चा मिल करेंगे कल वापस सवा चार बजे मिलकर तो मिलते हैं कल वापस सवा चार बजे है ना आ जाना बिल्कुल संयुक्त बैठकों के बारे में अगली बात है जानने के लिए मैं स्वागत करने के लिए सवा चार बजे तैयार हूं बहुत अच्छे से इससे आगे की कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे ठीक है साथियों ओके थैंक यू धन्यवाद